भोजपुरी के चुबले स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इस लॉकडाउन में कई सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मुंबई स्थित अपने आवास में रह रहे निरहुआ ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कई ऐसी जानकारी अपने फैंस को दी हैं जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जी हाँ, लाइव आकर निरहुआ ने अपनी नई फिल्म का भी ऐलान कर दिया। निरहुआ ने लाइव के दौरान ये बताया कि उनकी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनाने और उनके किरदार को निभाने की है। उन्होंने बताया कि महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से रहा है और खाली समय में वो उनके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं और अब योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनकी प्रेरणा से ही निरहुआ ने भाजपा में प्रवेश लिया था। निरहुआ ने बताया कि लॉकडाउन में वो योगी जी की कार्यशैली और उनकी जीवनी का बहुत ही गहरा अध्ययन कर रहे हैं। निरहुआ ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि वो योगी जी की रियल लाइफ को पर्दे पर उतारें और उसका बखूबी चित्रण करें। इसीलिए फिल्म के निर्माण में वक्त ज़रूर लगेगा और अभी पूरी रिसर्च मैं कर रहा हूँ। बता दें आपको, बातों ही बातों में निरहुआ ने ये कह दिया कि वो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की जीवनी पर फिल्म बना सकते हैं जिसमें बतौर एक्टर के तौर पर वो काम करेंगे। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।